हाय दोस्तों, सो आज हम एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी के बारे में बात करेंगे जो एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है। बेसिकली उस कंपनी के बारे में बताने से पहले फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज़ एन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी। सो होल्डिंग कंपनी बेसिकली क्या करती है, बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है अपने कैश रिजर्व से और उस कंपनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ की शेयर होल्डिंग होती है। हिस्टोरिकली इट इज़ सेड कि एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन जो होती है वो अराउंड 40-50% डिस्काउंट पे चलती है अपने मार्केट प्राइस और होल्डिंग के ऊपर। उसमें बेसिकली इसका हिंदी में मीनिंग ये है, बेसिक लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो, अगर कंपनी के पास 10,000 करोड़ के शेयर्स हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर उस कंपनी के अंदर, तो उसकी मार्केट कैप होगी अराउंड 5,000 करोड़। तो उसके आसपास का अगर शेयर प्राइस होगा, लेट से 4,000 करोड़ की मार्केट कैप पे कंपनी है, तो देर इज़ अ पोटेंशियल फॉर इंक्रीज ऑफ 1,000 करोड़ इन दैट कंपनी। तो हिस्टोरिकली इसी रेंज में कंपनीज जो हैं, होल्डिंग कंपनीज जो हैं, वो चलती है। 40-50% डिस्काउंट होता है, बिकॉज रीज़न ऑफ दिस डिस्काउंट इज दैट दीज कंपनीज विल नॉट बी सेलिंग द शेयर्स इन ओपन मार्केट नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग। तो ये जो डिस्काउंट है हमेशा वैलिड रहता है 40-50% अक्रॉस ग्लोबली। अब आप बोलो कि इसके अंदर एक हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे बना सकते हैं। तो आई वॉज स्टडिंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज इन इंडिया एंड उसमें से एक नाम आया पिलानी इन्वेस्टमेंट के बारे में। सो ये पिलानी इन्वेस्टमेंट जो है, इसके बारे में अगर मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसकी मार्च 2022 की एनुअल रिपोर्ट के अंदर मैंने चेक किया कि कंपनी के पास अराउंड 10,000 करोड़ के शेयर्स पड़े हैं अपनी बैलेंस शीट में, लेकिन कंपनी की मार्केट कैप अगर हम डिस्काउंट लगा के देखें तो अराउंड 5,000 करोड़ या 4,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए। बट कंपनी की राइट नाउ मार्केट कैप ऑन करंट डेट इज़ अराउंड 2,000 करोड़। सो देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन वैल्यूएशन which market is discounting right now. तो first of all इस valuation gap को देखने के लिए check करेंगे कि कुछ company में problem तो नहीं है, कि company के अंदर कुछ corporate governance का issue हो, कि market में इसके बारे में इतनी information अभी तक कैसे नहीं आई कि एक company है जिसके बारे में इतना discount चल रहा है which is close to around 80% to its market value of shares that is having in its balance sheet, और उसमें 2000 करोड़ की कंपनी के पास 10,000 करोड़ के शेयर्स पड़े हैं। तो देर इज़ अ ह्यूज गैप ऑफ अपसाइड विच इज़ अवेलेबल करंटली विद पिलानी इन्वेस्टमेंट। हम कंपनी के पूरा बैकग्राउंड चेक करेंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन जो है कंपनी के एनुअल रिपोर्ट का वो हम अपने चैनल पे लगाएंगे, उसको आप ज़रूर चेक करना। और एक एक स्टेटमेंट जो है जो हम बोलेंगे डैट इज़ पब्लिकली अवेलेबल। कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन कोई इनसाइड सोर्सेज से आई है, इट्स एवरीथिंग इज फ्रॉम पब्लिक सोर्सेज ओनली, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो ओनर है वो इनडायरेक्ट होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर, सो इट इज़ फ्रॉम आदित्य बिरला ग्रुप। मिस्टर कुमार बिरला है इनके ओनर और इस कंपनी के अंदर दे ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओन्स अराउंड 57% ऑफ द होल्डिंग। और कंपनी की अगर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम चेक करें, कंपनी के पास अराउंड ग्रासिम, हिंदालको, अल्ट्राटेक जैसी कंपनीज की होल्डिंग्स हैं। तो ये तो हो गया कंपनी का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो कि जिसकी वैल्यू अराउंड 10,000 करोड़ है। प्लस कंपनी का एक स्मॉल बिजनेस भी है लेंडिंग का, तो वो जो लेंडिंग का पोर्टफोलियो है उसकी लोन बुक है अराउंड 2,000 करोड़ की। सो सिमिलरली कंपनी की जब अब आप P&L अकाउंट स्टेटमेंट चेक करेंगे तो कंपनी की टोटल इनकम है 260 करोड़ की, जिसमें से अराउंड 206 करोड़ कंपनी को इंटरेस्ट इनकम है, मतलब ब्याज। अब वो जो ब्याज है कंपनी का कहाँ से आ रहा है, मतलब किस टाइप के लेंडर्स को, किस टाइप के बोरोअर को कंपनी ने पैसा दिया हुआ है। बेसिकली एज पर कंपनीज एनालिसिस उसके अंदर हमें चेक किया तो पता चला कि कंपनी ने इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट दिए हुए हैं अपनी ग्रुप कंपनीज के अंदर। सो बेसिकली पिछले 2-3 साल से अगर चेक करें तो वो डिपॉजिट्स जो कंपनी ने उनको दिए हुए हैं फॉर फर्दर लेंडिंग वो कंपनी के ग्रुप में ही हैं।
और कंपनी से उनको इंटरेस्ट इनकम आ रहे हैं उस पैसे पे जो कि अराउंड 206 करोड़ का है, प्लस कंपनी की डिविडेंड इनकम है 48 करोड़ की विच इज 48 करोड़, प्लस कंपनी जो इंटरेस्ट इनकम कमा रही है उस पे फाइनेंशियल कॉस्ट भी दे रही है विच इज़ अराउंड 59 करोड़, और कंपनी के बैलेंस शीट पे अराउंड 1000 करोड़ का लोन है। कंपनी की प्रॉफिट्स के बारे में बात करेंगे तो अराउंड 200 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है 2022 में, और लास्ट ईयर कंपनी का नेट प्रॉफिट था 97 करोड़ का, तो ईयर ऑन ईयर 100 करोड़ की कम से कम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एक साल में बढ़ी है विच इज़ वेरी गुड। और कंपनी का EPS अगर हम ट्रैक करेंगे तो कंपनी का 2022 का EPS है 182 रुपीज़ का, और कंपनी ने इस साल डिविडेंड दी है 15 रुपये का, तो आप चेक कर सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में कंपनी का जो डिविडेंड है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि कंपनी का EPS अगर 182 का है तो आने वाले टाइम में डिविडेंड इनकम भी कंपनी का जो शेयर होल्डर्स को वो दे रहा है वो भी बढ़ने की उम्मीद है। सिमिलरली अगर कैश फ्लो के बारे में हम बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो इज अराउंड नेगेटिव 100 करोड़ फ्रॉम ऑपरेशंस। सो रीजन ऑफ दिस नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इज देयर इज अ इंक्रीज ऑफ लोन्स ऑफ अराउंड 303 करोड़। सो कंपनी ने अपनी लोन बुक भी बढ़ाई है, और लोन बुक बढ़ाने के चक्कर में कंपनी ने फर्दर लोन्स डेट सिक्योरिटीज में उठाए हैं। सो बेसिकली मार्केट से कंपनी लोन उठा रही है फर्दर अपनी इंटर कंपनी डिपॉजिट में देने के लिए, विच इज़ कंसिडर्ड वेरी सेफ बिकॉज आई थिंक आदित्य बिरला ग्रुप की इंटर कंपनी डिपॉजिट्स के अंदर वो लोन जा रहा है। अनसिक्योर्ड लोन है सो इट इज़ अ काइंड ऑफ रेड फ्लैग फॉर नाउ, बिकॉज जितने भी पिछले कुछ सालों में कॉरपोरेट फ्रॉड्स हुए डेट आर रिलेटेड टू इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स ओनली, बट लुकिंग एट द कॉरपोरेट स्ट्रक्चर ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप आई थिंक ये जो लोन होगा वो सेफ ही रहेगा आने वाले कुछ सालों। प्लस इस साल कंपनी ने अपनी कैश फ्लो के अंदर ये शो किया है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर कि उसने 98 करोड़ की और इन्वेस्टमेंट फर्दर करी है, तो कंपनी की पी रेशियो लगभग 10 के आसपास की, विच इज़ कंसिडर्ड वेरी लो वैल्यू पी एज कम्पेयर टू अदर लिस्टेड पब्लिक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर कंपनी के बारे में हम बात करें तो कंपनी डीप वैल्यू के क्राइटेरिया में फॉल करती है, एंड देर इज़ अ ह्यूज अपसाइड विच वी कैन सी इन कमिंग ईयर्स। अगर हम चेक करें कुछ एनालिस्ट के बारे में तो 2021 के अंदर नवम्बर में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था इकोनॉमिक टाइम्स में, बेसिकली उस आर्टिकल के अंदर जब मेरे को फर्स्ट टाइम इस कंपनी के बारे में पता चला तो वहाँ पे एक रिनाउंड फंड मैनेजर ने बोला था कि कंपनी के पास अगर किसी भी होल्डिंग कंपनी के पास 10,000 करोड़ के शेयर्स हैं तो उसकी मोटा माटी अगर हम वैल्यूएशन देखें तो कंपनी का शेयर का भाव 4,000 रुपये का होना चाहिए, और करंट मार्केट प्राइस बेस्ड ऑन अगस्त 2022 द मार्केट प्राइस इज लेस देन 2,000 रुपीज़। सो देर इज़ अ ह्यूज अपसाइड अवेलेबल, एंड आई थिंक मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है इस शेयर में, बिकॉज जो होल्डिंग्स कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स में हैं वो काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, जैसे कि अल्ट्राटेक, ग्रासेन, सो दीज आर वेरी सेफ कंपनी शेयर्स। प्लस कंपनी के पास अदर कंपनीज के शेयर्स भी हैं जैसे कि आदित्य बिरला कैपिटल और सेंचुरी टेक्सटाइल। सिमिलरली अब हम एक कंपनी का टेबल बनाएंगे जो हमने कंपनी की मार्च 2022 की एनुअल रिपोर्ट से देखा। सिमिलरली इस कंपनी के बारे में जब मैंने और स्टडी किया तो मेरे को एक इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल मिला जिसके अंदर एक इन्फोग्राफिक था जिसमें कंपनी को उसके पेयर्स के साथ कंपेयर किया, तो जो पेयर्स थे उसमें से कुछ माने जाने कंपनी के नाम्स हैं जैसे कि बजाज होल्डिंग, JSW होल्डिंग एंड EID पेरी। सो इन कंपनीज को हम अगर बेंचमार्क करके पिलानी के साथ चेक करें तो कंपनी का डिस्काउंट
अपनी मार्केट कैप और होल्डिंग्स में आ रहा था 83% फॉर पिलानी, बजाज होल्डिंग का अराउंड 64% एंड JSW का अराउंड 61%। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि कंपनी के पेयर्स अगर हम देखें और अपनी कंपनी को कंपेयर करें तो देर इज अ मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन वैल्यूएशन टर्म्स। अब ये आप बोलो कि ये इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिकली अवेलेबल है तो इसके बारे में मार्केट में न्यूज़ कैप्चर क्यों नहीं हो रही। इसको भी अगर फर्दर हम चेक करें तो कंपनी के म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स, अगर एक कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स होती है या फिर दे बिकम फेमस बिकॉज ऑफ सम न्यूज़, तो फिलहाल कंपनी की गवर्नेंस इशू की वजह से ये सब अभी पॉसिबल नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन मार्केट में तब आती है जब कोई बड़ा इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है। फॉर नाउ इफ वी लुक एट द शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आई कुड नॉट फाइंड एनी बिग शेयर होल्डर इन कंपनी के शेयर होल्डर्स में। ये इन्फॉर्मेशन अगर आप पहले चेक करें तो फर्दर आप इसके बारे में पढ़ें और अपनी राय बनाएं। आई वुड रिकमेंड दैट यू कैन स्पेंड सम मोर टाइम ऑन फर्दर रिसर्च ऑन दिस कंपनी एंड देन मेक अ फेयर डिसीजन बाय योरसेल्फ। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है आपके लिए, बट एक फेयर ओपिनियन के लिए आप अपना इन्फॉर्मेशन पढ़ें और फिर एक बायस डिसीजन बनाएं। ठीक है, थैंक यू।